थोड़ी बहुत कॉलेज में सी प्लस प्लस या सी पढ़ी थी तो उसमें पॉइंटर्स वगैरह थे तो कन्फ्यूजन थी काफ़ी, तो सब ने कहा कि इंडस्ट्री में भी जावा यूज़ होती ज़्यादा, तो जावा को ऑप्ट किया एंड जावा लर्न करनी सीखी और इन्जॉय किया काफ़ी। सो हमें लगता है कि यार प्लेसमेंट तो 2-3 महीने में हो जाएगी सबकी और फिर तो ख़त्म है सब कुछ, लेकिन वो 1 ईयर होता है पूरा, हमें लगता है कि नहीं है टाइम नहीं है, तब मुझे भी लगता था, मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो ये वो सब देखी, लेकिन हमें लगता है कि यार 2-3 महीने इसमें जो हो गया हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, कंपनीज नहीं आएंगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 1 ईयर बहुत बड़ा है, उसमें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कुछ होगा। Hi everyone, this is Ankush and welcome to Coding Ninjas. So, continuing our series, we have another amazing story to inspire you all. So we have Ashmeet with us. Ashmeet is a recent graduate from Maharaja Agarsen Institute of Technology, Delhi. And uske baad basically during the college, Ashmeet ne bahut sara practice kiya hai lead code ke upar, competitive programming bhi kiya bahut sari. And ye sab karke basically itni sari mehnat karne ke baad, he finally got multiple offers. I think 4-5 offers hain hamare paas already, and uske alawa the best one out of them which Ashmeet felt was Amazon. So Amazon mein intern kari humne 6 mahine and uske baad abhi hamare paas full time offer hai from Amazon and which will be joining very very soon, right? Hi Ashmeet, welcome to Coding Ninjas. Hello Ankush. Haan ji, so yaar thoda sa batao apne bare mein, that first of all मैं जनरली स्टार्ट यहीं से करने की कोशिश करता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जब हम कॉलेज में जा रहे थे, लाइक वाज दैट समथिंग दैट वी वर हैप्पी विद, और या ऐसी फील थी कि नहीं यार अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बेटर जाना था, कुछ बेटर करना था, या लाइक मतलब हमारी प्रेप के हिसाब से वी वर सॉर्ट ऑफ हैप्पी विद कि हाँ यार चलो सही कॉलेज मिल गया आपने, क्या फील? देयर वाज मिक्स इमोशंस, सो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर IIT JEE मेंस, बट माय JEE मेंस वाज नॉट टू गुड एंड सो आई लर्न इट अप हियर. So I was a feeling that should I drop or try 1 year again. So, but finally I decided to continue with Maharaja Agarsen because it is also a good college, not so bad, and it's one of the good college of IP universities. So has a mixed feeling, but yeah, happy to be part of Maharaja Agarsen family. Okay, sure, sure. So. ठीक है चलो आप बताओ, लाइक पहले से हमने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत की थी क्या 11th-12th में या बिफोर दैट इन स्कूल कैसे भी करके थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की थी हमने? नेवर, इनफैक्ट इन 12th आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड आई आल्सो स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, आई स्टार्टेड विद जावा इन 2018 आफ्टर 1.5 इयर्स ऑफ माय कॉलेज इज बीन कंप्लीटेड. सो या अच्छा, सो पहले 1.5 साल हमने कुछ नहीं किया कॉलेज में? नहीं, मजे किए बस. अच्छा चलो सही है, मजे भी करने जरूरी है, सही टाइम पे कर लिया मजे, क्योंकि नहीं ठीक है उसके बाद तुम्हारे पास 1-1.5 साल तो था बिफोर कोविड ने सबके मजे थोड़े खराब कर दिए. चलो सही है. सो ओके, सो 2018 एंड में हमने जावा में पढ़ना शुरू किया. सो कैसे स्टार्ट किया, क्या किया हमने, लाइक थोड़ा सा बताओ, लाइक हाउ वॉज दैट जर्नी? सो वी वर कपल ऑफ फ्रेंड्स, सो हमने डिसाइड किया कि अब स्टार्ट करते हैं, कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट यर डूइंग देयर प्रोग्रामिंग आफ्टर द ईयर एंड ऑफ द फर्स्ट कॉलेज. सो जब समर वेकेशन होती हैं सब शुरू करते हैं, तो तब नहीं की, तो हमने कहा अब लेट हो गए हैं, सो शुरू करना चाहिए. तो वी वर 5-6 फ्रेंड्स, सो वी ऑप्टेड फॉर अ जावा प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम कोडिंग इन दैट सेल्फ एंड वी डू ऑफलाइन कोर्स. सो इट वॉज 2-3 months कोर्स एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन फेब. सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग. अच्छा ठीक है. सो आई थिंक लाइक सीम्स लाइक फर्स्ट 1.5 ईयर हमने कुछ काफ़ी चिल मारा, काफ़ी ऐश करी, विच आई थिंक सही है. JEE में अगर बहुत सारी मेहनत करते हैं तो उसका लगता है कि यार बस थोड़ा टाइम अभी ऐश कर लेते, थोड़ा बहुत शांत रहने दो, सही है. तो उस परस्पेक्टिव से सो देन बेसिकली हमने डेटा एक्सेस का प्रोग्राम कर लिया, राइट? लाइक क्या फीलिंग थी उस टाइम पे, लाइक डिड यू सॉर्ट ऑफ न्यू दैट दिस इज व्हाट विल गेट यू द इवेंचुअल जॉब, पाथ क्लियर था या अभी कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, इन फैक्ट लाइक दिस द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, या थोड़ा पाथ क्लियर था कि मेरे को क्या क्या करना है? नहीं, क्लैरिटी नहीं थी, तो जब हम कहते हैं कि सब ये कर रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं, और ये सब कहते हैं कि स्टार्टिंग यही है प्रोग्रामिंग की, तो कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आना चाहिए और ये सब, तो इसी से स्टार्ट किया था कि अभी ये फर्स्ट स्टेप है तो देखते हैं लेके कि कैसा लगता है और इन्जॉय करते हैं. तो जब जावा सीखी तो कपल ऑफ ऑप्शंस थी, जावा या सी प्लस प्लस, तो
बेटर जावा लगा कि थोड़ी बहुत कॉलेज में सी प्लस प्लस या सी पढ़ी थी तो उसमें पॉइंट्स वगैरह थे तो कन्फ्यूजन थी काफ़ी, तो सब ने कहा कि इंडस्ट्री में भी जावा यूज़ होती था तो जावा को ऑप्ट किया एंड जावा लर्न करनी सीखी और इन्जॉय किया काफ़ी और कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे सीखने में, मज़ा आने लगा. तो फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट इन टू ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स. सो उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद जो वेकेशंस थी उसमें मैंने टीचिंग असिस्टेंट भी किया कोडिंग निंजास में ऑफलाइन. सही है. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग मशीन लर्निंग एंड ऑप्टेड फॉर सेकेंड कोर्स ऑफ कोडिंग निंजास एंड उसी वेकेशंस में टीचिंग असिस्टेंट एंड मशीन लर्निंग साथ साथ करी. एंड देन एग्ज़ाम्स आ गए कॉलेज के, फिर दिसंबर तक कुछ खास नहीं किया उसके, तब तक वो क्या कहते हैं कि सब कह रहे थे कि अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लिया थोड़ा आगे चलना चाहिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो कोड फोर्सेस पे स्टार्ट किया थोड़ा बहुत करना. सो अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम थर्ड ईयर के दिसंबर की बात कर रहे हैं, राइट? लाइक सो फिफ्थ सेमेस्टर खत्म हो गया है, सही बोलो ना? है ना? सो फिफ्थ सेमेस्टर के बाद बेसिकली हमने फिफ्थ सेमेस्टर तक हमने मशीन लर्निंग कर लिया है, दो चार प्रोजेक्ट कर लिए होंगे मशीन लर्निंग के अंदर डिसेंट, राइट? एंड डेटा एल्गोरिथम हमारा स्ट्रांग हो गया बिकॉज अब तो हमने टीएशिप भी कर ली तो वो स्ट्रांग तो हो ही गया होगा. तो सही है, ठीक है. फिर क्या क्या बोला लोगों? फिफ्थ सेमेस्टर में सबसे डिस्कशन हुई, मेरा एक फ्रेंड है काफ़ी अच्छा है वो कॉम्पिटिटिव में, तो उसको उससे इंस्पायर लेके कि चलो इसमें कुछ और करते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं. तो हमने कॉम्पिटिटिव फिफ्थ के एंड तक शुरू नहीं की थी. नहीं, फिफ्थ में स्टार्ट कर दी थी, मतलब अक्टूबर नवंबर में. अच्छा, सही है. राइट? एंड जनरली लोगों को मैंने देखा है कि जो जनरली अच्छी रेटिंग में पहुंच पाते हैं जनरली थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं, राइट? लाइक सो रियली रियली हैप्पी टू सी कि तुमने थोड़ा लेट शुरू किया बट फिर भी मतलब लाइक वी वर एबल टू गेट टू 5 stars. सही है. सो बताओ वो जर्नी कैसी थी? तो फिफ्थ सेमेस्टर अक्टूबर में शुरू की थी कोड फोर्सेस, तो इन्जॉय किया, लॉन्ग चैलेंजेस से शुरू किया. पहले एक दो क्वेश्चन हो रहे थे, फिर तीन तीन चार चार होने लगे धीरे धीरे. सो वो स्टार्ट किया एंड कंटिन्यू किया उसको. सो सेवन सेमेस्टर तक कंटिन्यू किया था कोडचेफ, उसके बाद नहीं कर पाया. उसके बाद फिर बीच में सिक्स सेमेस्टर में फिर कोड फोर्सेस भी शुरू किया कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि कोड फोर्सेस पे शॉर्ट टर्म के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस करनी है कि इंटरव्यू में अगर शॉर्ट टर्म में कुछ थिंकिंग करनी है तो कैसे होगा. तो कोड फोर्सेस पे ट्राई किया, कोड फोर्सेस काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और इंटरेस्ट आया तो उसमें किया. एंड जैन में फिर शुरू किया कि लीड कोड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लीड कोड भी करना चाहिए साथ में, तो मेनली डीएसए पे प्रैक्टिस रही. तो डीएसए में फिर मैंने धीरे धीरे ओवर द ईयर 200+ क्वेश्चंस करे, कभी ज़्यादा कभी कम. सो ऐसे कंटिन्यू रखा बीच बीच में, मतलब कि मेरे ग्राफ्स थोड़े वीक थे तो बीच में एक टाइम हुआ कि ग्राफ्स करने चाहिए, तो फिर ग्राफ्स पिक किया, उसकी सारी एल्गोरिथम्स लर्न करी, समझी एंड उस पर प्रैक्टिस करी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये किया. ओके. सो सीम्स लाइक हमने कॉम्पिटिटिव को भी ठीक ठाक टाइम दिया. 5 star कब हुए हम? लाइक हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था 5 star. लाइक हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ गेट टू 5 star? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट जुलाई अगस्त नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त तक हुआ. ओके. सो 8-9-10 मंथ्स में बेसिकली हम पहुंच पाए वहाँ पे. सही है. वेरी नाइस. ओके. सो फिर हमने लीड कोड प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और बहुत सारा कोड कर लिया, राइट? लाइक सो नाउ लेट्स कम टू योर प्लेसमेंट प्रोसेस. सो कहाँ पर हमारी प्लेसमेंट लगी? अमेज़न इज वन. लाइक व्हाट आर द अदर ऑफर्स दैट यू हैड? बीइंग इन मार्च अग्रेसेंट तो कंपनीज आई, तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो सब राउंड्स क्लियर नहीं हुए काफ़ी कंपनीज में. तो मेनली इन्फोसिस में लैंड किया था पहले, तो इन्फोसिस का पैक लिया था. उसके बाद अमेज़ॉन आई इंटर्न के लिए एंड आई वॉज लकी टू गेट सेलेक्टेड एंड बीन एबल टू सिट इन द ड्राइव बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू सिट इन द ड्राइव बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ गुड पैकेज. सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई बैंक द इंटर्नशिप एंड देन did the internship from Jan to July in 2021. During internship I applied couple of companies more and got selected there also. So for example Ecolite and Tekine and other more companies. Sahi hai. And I think the idea was that in case PPO nahi milta to fir backup option plan. So, it was a pool drive. So, basically, we had a written exam.
So around 1500 students gave the exam. So 200 were selected, and then we have two rounds. Different students se different questions puche gaye. Mainly first round to tab ka DSA tha. Second, kisi ka mixed projects puch liya, concepts puch liye. In my case, fourth round were DSA. Okay. कैसा था? मुश्किल था, आसान था, medium था, क्या लगा? मतलब practice कर ली थी तो लगा कि इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि सेम क्वेश्चन कहीं और से भी पूछा गया था, सेम फ्रेंड से भी, तो उनको थोड़ी दिक्कत भी आई थी, तो लगा कि प्रैक्टिस किया तो इसलिए थोड़ा बेनिफिशियल रहा. तो ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था, ट्रीज ग्राफ एंड स्ट्रिंग्स एरेज. क्या पूछा था ट्रीज में, याद है? ट्रीज में एक तो इन्वर्ट था एंड ट्रैवर्सल था, और क्या था एक तो और थे, क्या कहते हैं याद नहीं प्रॉपर, सम एरे था, रूट रूट सब ट्री सम, ये सब थे. मतलब बेसिक था, मतलब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था वो, पर ठीक था. मेक सेंस सही है. चलो अब इंटर्नशिप का प्रोसेस कैसा था, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस लाइक? रिमोटली हुई होगी पूरी की पूरी, है ना, जाने को नहीं मिला होगा, व्हिच आई थिंक इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग मेस, लाइक बिग मिस आई वुड से, कि ऑफिस जाने को नहीं मिला. राइट, लाइक वो फील अच्छी होती है कि लाइक तुम्हें अमेज़न में जाके या किसी भी कंपनी में जाके यू गेट टू मीट विद पीपल, यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम. आई थिंक वो थोड़ा मिस हो जाता है इन दिस रिमोट एनवायरनमेंट, बट ठीक है, बताओ हाउ वाज इट? सो डेवलपमेंट नहीं की थी तो दिक्कत आई काफ़ी शुरू में, एंड एज यू से रिमोट थी तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं इतना हो पाता, और जो सीनियर्स हैं वो बिजी रहते हैं, उनसे डिस्कशन करने के लिए कॉल सेट करनी पड़ती है, एंड समटाइम डिफ़िकल्टी होती है. लेकिन काफ़ी सपोर्टिव टीम थी मेरी, एंड आई लर्न अ लॉट ड्यूरिंग इंटर्नशिप. आई वर्क ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज, AWS, स्प्रिंग, जावा एंड अदर देन दैट रिएक्ट फ्रंट एंड, सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करवाया एंड एक्सप्लोर किया सब कुछ. सो डिफ़िकल्टी शुरू में कहते हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हैं स्टार्ट, कभी की नहीं पहले, तो डिफ़िकल्टी हुई थी, थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन इन्जॉय किया, ग्रेजुअली सीखा थोड़ा थोड़ा, एंड नाउ इन्जॉइंग. सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो कौन सी टीम में है अमेज़न में, लाइक इंटर्नशिप कौन सी टीम में थी? अमेज़न पे, बैंगलोर. अमेज़न पे, सही है, नाइस. ओके, सो परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट. लाइक सो पीपीओ का क्या प्रोसेस रहता है अमेज़न के अंदर, लाइक इन द सेंस दैट डू यू हैव टू गो थ्रू मोर इंटरव्यूज, डू यू हैव टू सॉर्ट ऑफ, इट जस्ट हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर्नशिप? सो वी हैव टू राइट अ डॉक्यूमेंटेशन, सो वट वी हैव डन ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड. सो पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखी थी, उस पर एनालाइज किया. मैनेजर मेनली जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वो प्रेजेंट करते हैं हमारे को कि किस तरह परफॉर्मेंस दिया है. बार रेजर होता है एक, तो मैनेजर एंड बार रेजर टुगेदर डिसाइड वेदर टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट और नॉट. ओके, बट इंटरव्यूज नहीं हुए दोबारा? नो, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ. सही है, बहुत ही बढ़िया. सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट वर्किंग एट अमेज़न, लेट्स से, राइट, लाइक इन द सेंस दैट सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ कलीग्स, लाइक क्या, लाइक व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू रियली एंजॉयड एज पार्ट ऑफ योर अमेज़न जर्नी सो फार? सो बेसिकली वर्किंग एट अमेज़न में इन सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि सारे काफ़ी क्यूरियस रहते हैं नई थिंग्स को लर्न करने के लिए, एंड काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं वर्क करने के लिए. एंड सबसे बड़ी वैल्यू ब्रांड वैल्यू जो कहते हैं अमेज़न से लगती है, जो साथ में जो ब्रांड रिकॉग्निशन मिलती है वो काफ़ी अच्छी लगती है सोसाइटी में भी, कि अगर हम अच्छी कंपनी में हैं तो रिकॉग्निशन मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है. एंड वर्क लाइफ बैलेंस सब कहते हैं, लेकिन ऐसा भी इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है सब कुछ, एंड इट इज़ रिमोटली सो और फ्लेक्सिबल लगता है कि अभी तो फ्लेक्सिबल है. सो ऑन कॉल होती है इंटर्न्स की? नहीं होती होगी ना ऑन कॉल? नहीं, अभी ऑन कॉल की बारी नहीं आई. ठीक है, तभी तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया लग रहा है. सही है. जब आई थिंक वो जो पूरा वीक होता है ना ऑन कॉल वाला, उसमें तो वर्क लाइफ बैलेंस पूरा एकदम हिल जाता है, बट बाकी वीक्स तो चलो आई थिंक थोड़ा टीम टू टीम डिपेंड करेंगे, और कैसा तुम्हारा पूरा प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा, लाइक ओवरऑल तुम्हारी टीम के अंदर बेसिकली काम कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, एंड कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं. बट सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो अभी हमारा क्या प्लान है, क्या करना है हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर? सो आई एम ग्लैड कि डेवलपमेंट थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो अब जॉब ज्वाइन कर लिया है, तो अब तो यार कॉम्पिटिटिव नहीं करनी है ना, वो तो नहीं करवाएंगे हमसे DSL को भी. जैसे 6 महीने की इंटर्नशिप में कितनी बार सोचा इस जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कभी नहीं सोचा कि हो जाए कोड.
सो ये बहुत ही वियर्ड पार्ट है राइट लाइक सो हमने इतनी प्रिपरेशन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम जब एक्चुअल काम पे आते हैं तो बेसिकली ऑब्वियसली वो सब बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है और हम अच्छे से लिखते हैं कोड बट एक्टिवली हम कभी नहीं सोच रहे होते और हम सिर्फ बेसिकली चल जाए है ना अच्छे से कोड लिखना है और चल जाए वो सही है सो अभी क्या क्या करना है आगे तो अभी कुछ ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म सोचा नहीं है अब तक सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आगे भी अच्छा होगा बढ़िया होगा सब कुछ ऑल ऑफ द सडन हो रहा है तो ग्रेट है सब कुछ तो अभी तो ये है कि इसी में थोड़ा सेटल होना है लर्न करना है काफ़ी कुछ सीखना है अभी तो लर्निंग करनी है अभी काफ़ी तो इसी पे फोकस है कि अमेजोन में ग्रो करते हैं अभी तो लर्न करते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज पे वर्क करेंगे सीखेंगे सही है सही एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि कैसे तैयारी करें क्या नहीं करें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एनीथिंग यू वांट टू ऐड या वन थिंग कि मुझे याद है कि मैं जब थर्ड ईयर में एंड में था तो इंटर्नशिप नहीं लगी थी सो काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते थे हम सब फ्रेंड्स कि यार कुछ हो नहीं रहा है और टाइम भी नहीं खत्म हो गया क्योंकि जब हम जून जुलाई में आ जाते हैं थर्ड ईयर जून जुलाई सो हमें लगता है कि यार प्लेसमेंट तो दो तीन महीने में हो जाएगी सबकी और फिर तो ख़त्म है सब कुछ लेकिन वो वन ईयर होता है पूरा हमें लगता है कि नहीं है टाइम नहीं है तब मुझे भी लगता था मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो ये वो सब देखी लेकिन हमें लगता है कि यार दो तीन महीने इसमें जो हो गया उसके बाद तो कुछ नहीं होगा कंपनीज नहीं आएंगी कुछ नहीं होगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वन ईयर बहुत बड़ा है उसमें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कुछ होगा बिकॉज मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स जितने हैं सब ने जो अच्छी अच्छी कंपनीज में गए हैं सब जैन के बाद गए हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद वो जो 6 मंथ्स का पीरियड है ना जैन से जुलाई उसमें बहुत कंपनीज आ रही हैं बहुत स्टार्टअप्स हैं बहुत कंपनीज हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम उसके पहले भी हम तैयारी कर लेंगे तो कर लेंगे लेकिन ये है कि तैयारी कंटिन्यू रखनी है अगर ब्रेक कर दी बीच में फ्लोर तोड़ दिया तो दिक्कत है तैयारी की होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और सब कुछ बढ़िया होगा राइट नहीं आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट लाइक व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि नौकरी स्टार्ट तो फोर्थ ईयर के बाद करनी है बहुत सारे लोगों को फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में मिल जाएगी बट वो ज्वाइन तो फोर्थ ईयर के एंड पे ही करेंगे ना तो अगर तुम उसके दौरान भी कहीं पे जॉब ले लोगे अच्छी तो बहुत बढ़िया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने ज्वाइन तो अपने फोर्थ ईयर के बाद ही करना करेक्ट तो वो जो फोर्थ ईयर मतलब बेसिकली सब ये समझते हैं कि 8 सेमेस्टर तो कुछ है ही नहीं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 8 सेमेस्टर मेनी स्टूडेंट्स गेट ग्रैब देयर अपॉर्चुनिटीज इन 8 सेमेस्टर इटसेल्फ नहीं बहुत सारे लोग जिनकी यार कैंपस में कहीं लगती है दे एंड अप गेटिंग बेटर ऑफर्स इन 8 सेमेस्टर ऑफ कैंपस अगर ढंग से फाइट मारते हैं सही है थैंक यू सो मच अश्मित दिस वॉज रियली रियली हेल्पफुल दिस वॉज रियली इंस्पायरिंग एंड आई एम श्योर दिस इज अ पाथ दैट अ लॉट ऑफ पीपल टेक राइट लाइक डेटा एल्गोरिथम किया अच्छे से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए एंड हमने फिर कॉम्पिटिटिव और DSA पे फोकस किया और अच्छी कंपनी निकाली राइट लाइक सो आई वुड डेफिनेटली आई थिंक लाइक दिस इज वन पाथ दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड sort of aim for and take to get into amazing companies. Thank you so much. Thank you, Ankush. Yeah, thank you for that.